पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले T20 में 88 रन से शिकस्त दे दी। 5 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 183 रन के हदफ के ताकब में कीवी टीम 94 रन पर ढेर हो गई और ग्रीन शर्ट्स ने 88 रन से मैच जीत लिया। दोस्तों, लाहौर में खेले गए मैच में कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानब से इनिंग्स का आगाज मजूसकुन रहा। मोहम्मद रजवान 8 और कप्तान बाबर आजम सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद फखर जमान और साइम अय्यूब ने जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली और 89 रन की पार्टनरशिप कायम की। तहम 109 के मजमू स्कोर पर साइम अय्यूब 47 रन बनाकर रन आउट हो गए। उसके बाद शदाब 5, इफ्तखार बगैर कोई रन बनाए कैच आउट हुए। फखर जमान भी 47 रन बनाकर सऊदी का शिकार बने। अमाद वसीम 16, शहीन 1, फहीम अशरफ 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान की पूरी टीम आखिरी ओवर में 182 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के मैथ्यू हेनरी ने हैट्रिक की। उन्होंने अपने तीसरे ओवर की 5वीं, 6ठी और 4थे ओवर की पहली गेंद पर विकेट ली। हेनरी ने शदाब खान, इफ्तखार अहमद और शहीन शाह अफरीदी को आउट किया। उसके अलावा एडम मिल और बेन लेस्टर ने दो दो खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के 183 रन के हदफ के ताकब में न्यूजीलैंड का आगाज मजूसकुन रहा और इब्तदा में ही चैड वोवेस 1, वेल यंग 2, डैरल मिचल 11 रन बनाकर आउट हो गए। कीवी बैटर पाकिस्तानी बॉलरों के खिलाफ मजाहमत ना कर सके और 16वें ओवर में पूरी टीम 94 रन पर ढेर होगी। यूं उसे 88 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन 34 और टॉम लैथम 20 रन बनाकर नुमाया रहे। ग्रीन शर्ट्स की जानब से हारिस रऊफ ने 4, अमाद वसीम ने 2, जबकि शहीन जमान, फहीम अशरफ और शदाब खान ने 1-1 विकेट हासिल की। शानदार बॉलिंग करने पर हारिस रऊफ को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि फहीम अशरफ को बेहतरीन ऑलराउंडर का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।